नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह आपका स्वागत करता हूं कृष्णा सोनी किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पनीर मटर की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे बनाएंगे, एकदम यूनिक और टेस्टी बनेगी, बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो किस तरह से ये बनाएंगे आज ये मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो बेल आइकन उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले हम जो होटल रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी बनती है, जाड़ी जाड़ी ग्रेवी बनती है ना, हमने कभी भी होटल रेस्टोरेंट में जाके जो मतलब पनीर मटर खाते तो उसमें हमेशा जाड़ी ग्रेवी मिलती है, लेकिन हम अगर घर पे बनाते तो हमें ऐसी ग्रेवी नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, मैंने तेल प्याज और टमाटर डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसको भून लेंगे हम थोड़ा सा ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिस तरह से इसको थोड़ा पका लेंगे, मिक्सर के जार में डाल देते हैं इसको। तो ये हमारी होटल रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी यहाँ पे तैयार हो रही है पनीर मटर की। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्सर के जार में डाल दिया है और अब ठंडा करके इसको पीसना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, देख सकते हो ये एकदम मलिन हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मटर ले लिया थोड़े से, ये पनीर ले लिया है, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरी धनिया की पत्तियां, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और ये लाल मिर्ची का पेस्ट ले लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम गैस का टर्न ऑन कर देते हैं और ये पैन चढ़ा देते हैं गैस में। तो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दिया, लगभग लगभग एक चम्मच। अब इसमें जीरा डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच। जीरा पक चुका तो बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं, एक बारीक कटी हुई प्याज है ये। तो प्याज को थोड़ा सौते कर लेते हैं। प्याज हमारी सौते हो चुकी, तब इसमें एक छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो अब इसको भी सौते कर लेते, थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से। अब इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल देते हैं, टमाटर को भी सौते कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब उसको अच्छे से भून लेते हैं। तो टमाटर को थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। तो अब इसमें नमक डाल देते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, नमक मैंने पहले जो पनीर मटर की ग्रेवी के लिए ग्रेवी बनाई है उसमें भी डाला है, तो नमक वही हिसाब से डालिए। तो इसको चला लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, आधा कप लगभग। इससे क्या होगा, हमारे प्याज टमाटर जो यहाँ पे पक रहे हैं वो गल जाएंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप नहीं खाते तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो बस इन मसालों को पका लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हमारा ये मसाला एकदम तैयार है। तो अब ये पिसी हुई ग्रेवी डाल देते हैं प्याज और टमाटर की। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस इसको पका लेते हैं आप, ये मसाले के साथ ग्रेवी को मिक्स कर लिया है। तो अभी हमने एक कप मटर ले लिए हैं, लगभग लगभग ये 50 ग्राम मटर हैं। तो अब इनको थोड़ा सा पका लेते हैं कवर करके 4 से 5 मिनट तक। यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी पककर अच्छे से तैयार हो गई है, देख सकते हो ये मटर भी पक चुके हैं थोड़ा सा।
तो अब इसमें पनीर डाल देते हैं। ये 100 ग्राम पनीर डाल रहा हूँ मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पनीर ऊपर मतलब ज़्यादा या कम कर सकते हो। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डाली है और इसका लुकिंग अच्छा दिख रहा है धनिया पत्ती डालने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पनीर मटर एकदम तैयार, एकदम डिलीशियस तो बन गई है यहाँ पे हमारी होटल रेस्टोरेंट वाली पनीर मटर बिल्कुल कम कॉस्टिंग में। अगर हम होटल रेस्टोरेंट में पनीर मटर खाने जाते हैं तो बहुत महंगा हमको वहाँ पे पड़ जाता है, तो आप आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैं एक बाउल में सर्व कर रहा हूँ और इसकी लुकिंग दिख रही है ना बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट वाली। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती और ये बटर डाल दिया है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।